तो आज हम बात करेंगे कि लड़कियों को किस तरह से प्रपोज किया जाता है जिससे कि लड़कियां उस प्रपोजल को ठुकराए ना और उस प्रपोजल को रिजेक्ट ना करें। क्योंकि वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है और कल प्रपोज डे भी है, और मुझे पता है कल बहुत सारे लड़के गलतियां करेंगे प्रपोज करने में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो भी बना दूं इसके ऊपर। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक चीज जान लीजिए, मैं वीडियो स्पेशली काले या सांवले लड़कों के लिए बनाता हूं, क्योंकि मैं खुद काला हूं और जो जो चीजें मेरे साथ हुई हुई है और जो जो चीजें मैं करता हूं वही वही चीजें इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्रपोजल दो टाइप के होते हैं, पहला जो पर्सनली होता है, जो अकेले में होता है, जहां आप दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता है, और दूसरा जो सबके सामने होता है, ग्रुप में होता है, जैसा मूवीज में दिखाते हैं। अब मैं क्यों हंसा इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो पहला स्टेप है कि आप कन्फर्म करो। क्या कन्फर्म करो? कन्फर्म ये करो कि अभी जो आपकी गर्लफ्रेंड है क्या यही वो लड़की है जिसके साथ आप अपनी जिंदगी के पल बिताना चाहते हो? क्या सच में आप उससे प्यार करते हो या फिर आप एक फॉर्मेलिटी के लिए उसे प्रपोज कर रहे हो? तो अगर आप उसे एक फॉर्मेलिटी के लिए प्रपोज कर रहे हो तो भाई ये रिलेशन ज्यादा दिन टिकने वाला है नहीं, क्योंकि फॉर्मेलिटीज ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और अगर आपको लग रहा हाँ ये वही लड़की है जिसके साथ मैं आगे भी रहना चाहता हूँ, जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ, तो आपके लिए स्टेप वन क्लियर है। तो अब चलते हैं स्टेप टू की तरफ। तो स्टेप टू है, आप एक सही दिन चुनिए प्रपोज के लिए। अब इसका मतलब है कि आप एक ऐसा दिन चुनिए जिस दिन आप भी फ्री हो और आपकी गर्लफ्रेंड भी फ्री हो, कोई बिजी ना हो। तो आप मेरी मानो तो प्रपोज के लिए हॉलीडे ही चूज करो, क्योंकि हॉलीडेज यानी कि सैटरडे संडे जनरली हर कोई फ्री ही होता है। अब मुझे पता है कि मेरे बहुत से भाई कल यानी प्रपोज डे के दिन लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं, तो मेरी मानो तो कल प्रपोज मत करो, क्योंकि कल बहुत सी लड़कियों को ये पता रहता है कि कल कोई ना कोई मुझे प्रपोज करने वाला है। तो अगर आप कल उसे प्रपोज करोगे तो उसके लिए वो मोमेंट स्पेशल मोमेंट नहीं रहेगा, और लड़कियों को स्पेशल मोमेंट और सरप्राइज बहुत ही पसंद आते हैं, और खास करके ये स्पेशल मोमेंट तो वो जिंदगी भर नहीं भूलना चाहती है जब उसे कोई लड़का प्रपोज करने वाला हो, क्योंकि लड़कियों के लिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल होता है और ये मोमेंट वो हमेशा याद रखना चाहती है और सबको बताना चाहती है कि हाय वो कितना स्वीट था, उसने मुझे ऐसे प्रपोज किया, हाय। तो मेरी मानो तो कल आप प्रपोज मत करो, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट करके रखा होगा आपसे कि आप उसे कल प्रपोज करोगे, और जब आप उसे प्रपोज नहीं करोगे तो उसके अंदर आग लग जाएगी, वो सोचने लगेगी कि आप उसे प्रपोज क्यों नहीं किए। फिर जब आप उसे किसी और दिन प्रपोज करोगे तो सोचो वो कितनी खुश होगी। स्टेप थ्री, आप प्रपोज के लिए एक अच्छी सी लोकेशन चूज करिए। लोकेशन ऐसी चूज करिए जो आपके घर के नजदीक बिल्कुल भी ना हो और आपकी गर्लफ्रेंड के लिए वो जगह बिल्कुल न्यू हो, जहाँ पे वो कभी नहीं गई हो। तो जैसे मैंने बताया कि लड़कियों के लिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल होता है, और अगर आप किसी न्यू जगह पर उसे किसी और दिन प्रपोज करोगे तो ये उसके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये सब एक्सपेक्ट करके नहीं रखी थी, और अगर आप ये सब करते हो तो ये उसके लिए एक स्पेशल मोमेंट बन जाएगा और ये हमेशा उसे याद रखेगी, जिसे वो भूल नहीं सकेगी। क्योंकि जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह को हम जल्दी भूलते नहीं है। मुझे पता है कि आपको अपने कॉलेज का पहला दिन भी याद होगा, क्योंकि वो जगह आपके लिए न्यू थी। इसीलिए लड़कियों के लिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल बन जाता है जब आप लड़की को किसी न्यू जगह पर प्रपोज करते हो जहां पर वो कभी नहीं गई है, तो इसी तरह वो जगह को वो भुला नहीं पाएगी, और फ्यूचर में जब भी उस जगह पे किसी और के साथ अपने फ्रेंड के साथ जाएगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगी। स्टेप फोर, आप एक रिंग परचेस करिए उसे प्रपोज करने के लिए। ये 2019 है, बहुत से लड़के ये गलती करते हैं कि लड़कियों को रोज के साथ प्रपोज करते हैं या फिर कुछ भी नहीं देकर प्रपोज करते हैं। तो अगर आप उसे रोज के साथ प्रपोज करोगे तो ये बहुत ही ऑड लगेगा, बहुत ही ओल्ड टाइप लगेगा, क्योंकि ये 90s नहीं है, ये 2019 है, और अगर आप उसे कुछ भी नहीं दोगे तो ये तो और भी ऑड लगेगा। इससे अच्छा आप एक काम करना, आप एक रिंग खरीदना और इस रिंग के साथ उसे प्रपोज करना, क्योंकि जब भी वो अपनी उंगली में वो रिंग देखेगी तो वो सिर्फ आपको याद करेगी। स्टेप फाइव में बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी बताए हुए तरीके पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मेरी इस वीडियो से हर काले या सांवले लड़के की मदद हो सके। तो स्टेप फाइव पे आप शाम होने तक इंतजार करिए। इसका मतलब है कि आप सुबह से लेकर शाम तक उसे खिलाइए पिलाइए घुमाइए फिराइए, अच्छा से बात करिए, उसे हंसाइए, और जब शाम होने वाली हो उसे ऐसी जगह लेके जाना जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कपल्स हो। इससे क्या होगा, उसका कंफर्ट लेवल हाई होगा उस कपल्स लोग को देखकर, और वो नर्वस नहीं होगी और ज्यादा घबराएगी नहीं। स्टेप सिक्स, जो सोचा था बोल डालो। इसका मतलब अब वो घड़ी आ गई है जब आपको उसे प्रपोज करना है। अब प्रपोज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट के थ्रू उसे प्रपोज कर सकते हो। तो अगर आप डांस अच्छा कर लेते हो तो आप डांस के थ्रू उसे प्रपोज कर सकते हो, या फिर अगर आप सिंगिंग अच्छा कर लेते हो तो आप बॉलीवुड के कोई सॉन्ग के थ्रू से प्रपोज कर सकते हो, या फिर अगर आप शायरी बहुत अच्छी लिख लेते हो तो आप शायरी के थ्रू से प्रपोज कर सकते हो। बट मेक श्योर आप प्रपोज करने से पहले घर में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि वहां पे कोई गड़बड़ ना हो। और एक चीज याद रखना, प्रपोज करने के 1 या 2 मिनट पहले खूब बातें करना, खूब बातें करना। फिर कुछ देर बाद जब लड़की बोल रही हो तो उसके लिप्स पे उंगली देके बोलना, फिर बोलना। और हाँ एक चीज याद रखना, जब आप ये कर रहे हो तो उसकी आंखों में आंखें मिला कर रखना, एकदम डीप आई कांटेक्ट करना, और बिल्कुल भी इधर उधर मत देखना। और अगर आपने उसके लिए कोई शायरी लिखी है तो उसे बोलना,
मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, मुझे पता है ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। फिर आप उसे ये शायरी बोलना, और हाँ, जब शायरी बोलना तो खुद की होनी चाहिए, कोई भी बॉलीवुड की घिसी पिटी शायरी या कोई भी डायलॉग नहीं होना चाहिए। फिर शायरी बोलने के बाद उसका हाथ पकड़ना, उसकी आंखों में आंखें मिला कर उसे प्यार से आई लव यू बोलना, बस यहाँ आपका काम खत्म। अब यहाँ से शुरू होता है लड़की का काम। अब उसका काम है हाँ बोलना या ना बोलना। अगर वो हाँ बोलती है तो ठीक, और अगर ना बोलती है तो अपने रंग को बिल्कुल भी मत कोसना। ये मत सोचना कि मैं काला या सांवला हूँ तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि लड़कियाँ पहली बार में जल्दी किसी को हाँ नहीं बोलती, क्योंकि लड़कियाँ देखना चाहती है कि लड़के किस हद तक गिर सकते हैं उसे पाने के लिए। इसी जगह उसके ना करने के बाद अगर आपने उसके साथ बदतमीजी से बात की या फिर उसे गाली गलौज किया तो यहाँ पर आपका काम एकदम खराब हो जाएगा, वो फिर आपसे कभी बात नहीं करेगी। इसी के ठीक उल्टा, अगर लड़की के ना करने के बाद अगर आप उससे अच्छा से बात करें जैसे आप पहले करते थे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लड़की कुछ दिन बाद खुद आके बोलेगी कि नहीं मैं गलत थी, और वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। अब वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि मैंने क्यों हंसा था, क्योंकि वो पॉइंट ही कुछ ऐसा था कि मुझे हंसी आ गई, क्योंकि वो जो टाइप टू था जहाँ पे प्रपोज लोग ग्रुप के सामने करते हैं, उस टाइप का प्रपोजल सिर्फ मूवीज में ही अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में करने जाओगे आप अपनी बेइज्जती तो करवाओगे ही, साथ में उस लड़की की बेइज्जती भी करवाओगे, क्योंकि इस टाइप के प्रपोजल में 100 में से 90% लोगों को जवाब में ना ही मिलता है। और अगर आपको लड़की ने जवाब में ना बोला पूरा ग्रुप के सामने, तो आप सोच ही सकते हो आपकी किस लेवल की बेइज्जती होगी। इसीलिए मेरा मानना है आप टाइप 1 वाला ही प्रपोजल करना, जो पर्सनल में होता है अकेले में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना आपको कौन सा स्टेप पसंद आया। मिलता हूँ अगले वीडियो में शाम 5 बजे, तब तक के लिए लड़की को पटाइए मत, उसे अपना दीवाना बनाइए।